हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप लोगों को पता है दशहरा के दिन बंगाल में सिंदूर खेला क्यों होता है? ऐसे आप लोगों ने टीवी में और बाकी पिक्चरों में बहुत देखा है, दशमी के दिन सारी लेडीज़ सिंदूर खेला खेलती हैं। और आपको पता है गणेश जी की पत्नी का नाम क्या है? जो बंगाल में रहते हैं या कलकत्ता की दुर्गा पूजा देख चुके हैं उनको पता है गणेश जी की पत्नी है कोलाबो, बंगला में बोलते हैं। गणेश जी की शादी केले के पेड़ से हुई थी। उसके बाद आज भी गांव में कैसे कैसे लोग मन्नत रखते हैं, मन्नत उतारते हैं पूरी होने पर। उनकी आस्था 21वीं सदी में भी वैसी है जो पौराणिक समय से चलता आ रहा है। तो चलिए, मैं आज ऐसी कुछ बातें आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने मेरा गांव आप लोगों से शेयर किया था, वहाँ का दुर्गा पूजा। तो वहीं की कुछ और रस्में, कुछ रिवाजों को मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। दुर्गा पूजा के टाइम जब मूर्ति की स्थापना की जाती है तो सबसे पहले गणेश जी की पत्नी कोलाबो को लाया जाता है और गणेश जी के बगल में उनको रखा जाता है। वैसे ही जब विसर्जन का टाइम आता है तो सबसे पहले कोलाबो की ही आरती उतारी जाती है और उनको सारी लेडीज मिलके उनकी आरती उतारते हैं, उनकी विदाई करते हैं। तो हमारे यहाँ कोलाबो के लिए एक पालकी बना हुआ है, उस पालकी में कैसे लोग उनकी आरती उतारते हैं चलिए मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। प्राचीन प्रथा है, जो भी आप मन्नत मांगते हैं एक तालाब में डुबकी लगा के माँ के मंदिर तक ऐसे आपको पेट के बल लेट के आना होता है, जैसे साष्टांग दंडवत करते हुए। आप ये 11, 21, 5 आप जितना भी कर सकते हैं उसके हिसाब से ये मांगा जाता है। तो मेरे हस्बैंड का 11 मन्नत था तो वो मन्नत उतार रहे हैं। ये आस्था है, अपनी अपनी आस्था की बात है, मानो या ना मानो अभी भी ये प्रथा चलते आ रहा है। ये जो आप रस्म देख रहे हैं ये भी एक तरह का मन्नत उतारा जा रहा है। सुहागिनें मन्नत रखती हैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए या घर की किसी सदस्य के लिए, अगर वो मन्नत रखती हैं तो उसके पूरे होने पर नवमी के दिन 7, 9, 11 या 21 लेडीज़ के पैर छूती हैं, सुहागिनों के पैर धोती हैं, फिर उनको सिंदूर और तेल लगाकर अपना ये व्रत पूरा करती हैं। ये भी सिंदूर खेला जैसा ही एक रस्म है। और दसवीं के दिन माता के चरणों में सुहागिनें सिंदूर चढ़ाती हैं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, और वही सिंदूर फिर एक दूसरे को लगा कर ये सिंदूर खेला का रस्म पूरा करती हैं। ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। सिंदूर खेला के बाद अब आती है विसर्जन की बारी। पहले कलश का विसर्जन किया जाता है, उसके बाद शाम को मूर्ति विसर्जन किया जाता है। विसर्जन से पहले सभी खुशी से नाचते गाते हुए यही कामना करते हैं कि अगले साल हम फिर से यही खुशियां मनाएं, साल भर बाद फिर माता हमारे यहाँ आए।
तो अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा गांव खुशी थी।